दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश, और माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जो जुमलाइन 110 टन क्रेन का वीडियो है, और इसका मॉडल नंबर है JTC 1100 R6, इसका मॉडल नंबर है। तो आज कंप्लीट हम इसका सर्विस का वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप बताइए उस्ताद कि इसमें इंजन कौन सी है? VIC 15। और इसका हॉर्स पावर? 480 480 HP। और कितनी सिलेंडर्स की है? सिक्स सिलेंडर्स। ये ऑयल फिल्टर है। कितने नंबर पाना लगा है? 36 नंबर। इस गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है? JTC 1100। JTC 1100V। JTC 1100V। बी या वी? वी। तो अभी हम लोग इसका सर्विस कर रहे हैं। ऑयल फिल्टर इसमें हम लोग करने वाले क्या क्या हैं? ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, प्राइमरी सेकेंडरी, वाटर सेपरेटर चेंज होगा सर। बाहर निकाल दे। हाँ, ऊपर को निकाल, ऊपर को निकाल सिलेंडर को, सिलेंडर ऊपर अपना ऑयल फिल्टर बाहर। ये ऑयल फिल्टर खुल चुका है। वो कपड़ा बिछा ले, गंदा पड़ा उधर उधर डाल दे। पूरा ऑयल फिल्टर है, वाटर सेपरेटर फिल्टर हो गया। जब पानी, यानी कि ये अपना डीजल फिल्टर जो है पंप से पहले है, पंप से पहले और टंकी के बाद, बीच में पंप और टंकी के बीच में पंप, ये पंप ही लगा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, मतलब ये इसके ऊपर जो है ये पंप हो गया। हाँ, ये ऊपर दिख रहा है डीजल, और ये जो है कि डीजल घिंच करके दे देता है इंजेक्टर को, सेकेंडरी और प्राइमरी को, दोनों को डीजल यही देता है, सेकेंडरी और प्राइमरी फिल्टर को, और वो इंजेक्टर को देता है, इंजेक्टर को। ओके, दिखाओ बाबू उधर चालू है। अपना प्लग खुल रहा है, मतलब घुमाएंगे तो अपने आप लॉक खुल जाएगा, कोई टूटने का डर नहीं, क्योंकि किसी किसी लॉक में टूटने का डर रहता है। दिखाइए इसका थोड़ा माथा, वो दिखाइए, ये पूरा तीनों ग्रुप में जाकर बैठ जाएगा। वो दूसरा वाला दिखाइए। अच्छा, इसमें एक खाली है। 24-27 का पाना लिया दोस्त, 24-27 32-36 का डे, सॉरी, जिससे अपन ने वो खोला था वो। अच्छा, ये लॉक फंसा रहता है, एक बार ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। हाँ, ये लगे रहते हैं अंदर। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर घूमेगा कौन? एक बार ये वाला घूमता है, जैसे ही अपन ने लगाया ये। अच्छा, ये ऊपर से ऐसे घूम जाएगा, ये लॉक हो गया, ये खुल गया। तो कल अगर कल तो दे ही देंगे फिर। ओके, तो बोल के रखना, मंडे को दे दें, क्या दिक्कत है?
बोला था ये खुलेगा तो खोलिए खुल गया रुक जा उल्टा ठेढ़ है क्या इसका हाँ नहीं सीधे ही तो है ऐसे ही खुलते हैं बंद होगा आ गए डीजल खोलिए खुल गया बाबू खुल गया फिल्टर छोड़ दो डीजल के लिए कुछ दे दे दोस्त कितना गिर जाएगा कम से कम दो अब यहाँ है क्या जी हमारे कहाँ गिरेगा डीजल ऊपर ऊपर है ना ऊपर भी फिल्टर है एक लीटर का नीचे एक लीटर का ऊपर अच्छा इसके ऊपर ऊपर से फिल्टर है हाँ तो ऊपर एक लीटर तो गिर जाएगा एक और दो लीटर गिर जा दूँ फिर दूर रहना आँख में नहीं जाए ना थोड़ा दूर रहते खुलना और इसमें भर जाएगा अभी इसको निकाल फिल्टर को इसमें भर ले हाँ भर ले खेच गिरेगा भड़बड़ा के अच्छा ये फिल्टर जो दिया है ना ये अलग हिसाब का फिल्टर है दे दे ये दे दे डीजल आएगा ले कपड़े से साफ कर उसको कपड़ा रख हाथ में तो भी धीमे धीमे सीख जाएगा चलो फिर और कुछ खोलना है ये फिल्टर है डालिए इसमें भी उल्टा सीधा कुछ है एक बार उल्टा सीधा दिखवा लो क्या आप भी समझ अच्छा हाँ इसमें दिख जाएगा उल्टा सीधा हम इसमें बता देंगे अभी और ये लग गया इसको ऐसे ही टाइट कर देंगे डीजल दो पंप उठा लेगा और वहीं अगर सादा वाली होती तो भरना पड़ता और इसमें ये ऊपर जाएगा जो ये माथा की तरह है और जो प्लेन है वो नीचे रहेगा 8 इंच है टाइट कीजिए 36 अब इसको टाइट कर देंगे बस ओके लगा पाना इसको ज़्यादा हुमच के टाइट नहीं करेंगे नहीं तो अगले बार खोलने में फिर नॉर्मल इसको टाइट कर देंगे ज़्यादा हुमच के टाइट कर दिए तो अगले बार दिक्कत देने लगे अब ये जो वायर सॉकेट है इसको हम लगा लेंगे और लगा के इसको जहाँ था उस जगह पे हम डाल देंगे तो ये वायर सॉकेट अब लग गया है इसमें खोलते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंजू वाशर ना गिर जाए सिम लगा अंदर अंदर भी होगा और नीचे भी एक वाशर होगा डबल वाशर होगा है और नहीं तो इधर चिपका होगा यही तो है अंदर चिपका है ना हाँ तब ठीक है उसको ध्यान रखना गिरे ना क्योंकि ये वाशर अगर गिर गया आपके पास नहीं है तो गाड़ी एयर बनाएगी पकड़ लेता है स्लिप नहीं मारता है और इसमें स्लिप अगर मारेगा तो आगे वाले आने वाले समय में ये परेशानी का
दूसरा लाना पड़ेगा तब। हाँ, परेशानी बढ़ेगा। तो सबसे बेटर है इसको खोलना है तो बॉक्स पाना और कनेक्शन रखो। का जी सही बात। नहीं नहीं हो गया, खुल गया। लो पकड़ो, खुल गया। लो दिखाइए फिल्टर थोड़ा। ये फिल्टर, ये नीचे जाएगा, फिल्टर लिखा हुआ है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। हाँ नहीं, ये नीचे यहाँ पर है, लाया था अभी। ये नीचे जाएगा ऐसे। अच्छा हाँ। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा और वो नीचे जाएगा। ओके, नीचे का ही खोल खोल खोल, तुरंत खोल दो उसको, फाड़ दो उसको, पन्नी फाड़। रबड़ भी लगेगा? हाँ नहीं, रबड़ नहीं लगेगा, रबड़ लगी रहती है इसमें, देख अंदर लगी हुई, ये देख लगी साइड में लगा, मैंने यहाँ इधर इधर अंदर लगी हुई, ये लगी, बैठा हुआ रहने दीजिए। ऊपर बैठा है ना, पूरा इसका और ही रखना, रखना फेंकना मत। हो गया? सही सही खुल रहा है। हट जाओ, निकाल ले। कर ले, डीजल ज़्यादा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। कहाँ खोल रहा है, बंद कर रहा है। क्या करें अब? चलिए बात धो ले उसको और वापिस फिट कर दे वैसा का वैसे ही। केबल भी लगा देगा।
बना रहे सही गिर रहा सही गिर रहा है ये फिल्टर हम जब भी डालेंगे तो ये चीज जो है ये नीचे रखेंगे होल वाली है क्योंकि ऊपर होल नहीं है और इसको इस तरह से डालेंगे फिट हो जाएगा ऊपर ठीक है दबाओ बैठ जाएगा दबाओ ये घुस गया अब निकलेगा ही नहीं अब ये निकलेगा नहीं अब इसको ऐसे डाल के और इसको चढ़ा देंगे ये लीजिए ले जाके चढ़ाइए और दिखाइए हो गया अभी पैनल आएगा ना कसने के लिए इधर बंद उधर ही कसा रहा है ये अपना ऑयल फिल्टर लग गया और टाइट भी हो गया तो हम चल के आगे देखते हैं ये ऑयल फिल्टर टाइट हो गया तो इंजन ऑयल ड्रेन हो गया है अब हमें ड्रेन प्लग लगाना है एक बार थोड़ा साफ कर दिए और उसके बाद ड्रेन प्लग अब हम डाल देंगे ये ड्रेन प्लग हम डाल रहे हैं ड्रेन प्लग टाइट करके और ड्रेन प्लग टाइट करने के बाद जनरेटर टाइट करने के बाद जो है कि अब ऑयल डालेंगे ऊपर से जब भी हम ड्रेन प्लग टाइट करेंगे ड्रेन नट तो हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे उसको नॉर्मल हाथ से पाना से कर देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइट कर देंगे तो अगले बार खोलने में दिक्कत होगा और खोलने और कसने के समय बॉक्स पाना रहे तो और बेटर है ये कैप पहले से खोल दिए हैं और अब जुगाड़ इसका सेट कर रहे हैं जुगाड़ सेट करके लगा लो इसको घुसा दो ना और इसमें अब ऑयल डालेंगे क्योंकि यहाँ तो बाल्टी पूरा उठेगा नहीं और हम इसमें गल्फ का 15W40 नंबर ऑयल डालने वाले हैं तो ये अब हमारा जुगाड़ बन गया और इससे अब हम ऑयल डालेंगे वहाँ बगल में जाकर दे दिया डाले धीमे धीमे डालना एकदम घुमाओ घुमाओ पाइप उसी में डाल दो ना बस हो गया।
अब हम कैप को टाइट कर दिए और इसमें हम डाल चुके हैं 27 लीटर इंजन ऑयल 15W40 गल्फ का। अब जो है कि एक बार हम गेज मार के देख लेंगे कि ऑयल हमारा बराबर बता रहा है या नहीं। कभी भी सर्विस करें तो एक बार गेज ज़रूर चेक कर लें, और शुरू शुरू में तो खास करके एक बार की जगह दो बार तीन बार चेक करें आप। अगर पहला सर्विस है, अगर आप कर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं है कि कितना लीटर डालना है या मैनुअल नहीं देखे हैं, तो हमारा ठीक है इंजन ऑयल। अब हम चाबी को ऑन कर देंगे और 10 मिनट तक चलने देंगे मोटर, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है ऑयल अपने फिल्टर में भरेगा और फिल्टर जब फुल हो जाएगा तो अपने आप इसमें एयर निकालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम सेल्फ मारेंगे और एक दो बार इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसमें चाबी को ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, क्योंकि उससे होता क्या है कि ऑयल अगर कम बसी है तो अपना उठा लेता है बराबर। और ये हम फिल्टर जो है चेंज नहीं किए हैं, उसी फिल्टर को साफ करके डाले हैं। और एक चीज़ है, जो वाटर सेपरेटर वाली जो फिल्टर मेन खुले थे तो उसका सिर्फ सेपरेटर साफ करके डाल दिए, क्योंकि फिल्टर हमारे पास पहुँचा नहीं था। तो और फिल्टर को हम चेंज कर दिए हैं, तो कभी भी अगर काम करें तो इस तरह से फिल्टर में साफ करके वाटर सेपरेटर को डाल सकते हैं। हालाँकि अगर चेंज आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा मोटर चलने का, ये चाबी ऑन किए थे तो मोटर अभी खींच रहा है डीजल को, तो उसका आवाज़ है। ये जो आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ आना अपने आप ही बंद होगा, अपने आप बंद होगा उसके बाद। देखिए आवाज़ चेंज हो रहा है, आवाज़ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि बीच बीच में जो एयर है उसके वजह से ऐसा हो रहा है आवाज़। देखिए ये आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगा। अब आप सुन सकते हैं कि ये आवाज़ बंद हो चुका है, अब हम गाड़ी चालू कर सकते हैं। गाड़ी चालू हो गई, ये अपना सर्विस कंप्लीट।